हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में आज हम लोग जेई एडवांस 2019 का एक पीवाईक्यू है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल काफी रिपीट हो रहा है पिछला 4-5 साल में, तो इस पैटर्न को समझना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके पास में लिमिट्स दिख रहा है, लेकिन ये लिमिट्स का नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपके पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट ऑफ सम का है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोफाइल क्वेश्चन को समझ के कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको यहाँ पर मैं हम लोग बताएंगे। तो सवाल क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन वन, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + √2 + √3 · √n, और डिवाइड बाई n^7/3, 1 a n + 1 होल स्क्वायर + 1 a n + 2 होल स्क्वायर · 1 a n + n होल स्क्वायर = 54। तो ए का पॉसिबल वैल्यूज बताना है। इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समेशन को देखिए, समेशन को देखिए। समेशन में क्या दिखेंगे यहाँ पर मैं, r = 1 to n, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसको हम लोग लिख सकते हैं r^1/3, ठीक है। डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर मैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा और n^7/3, समेशन r इक्वल टू 1 to n, यहां पर मैं लिखेंगे 1 / an + r²। आप देखो, अगर आप इस तरह से लिख पाए तो ये सीरीज पूरा कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। तभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे यहां पर मैं, सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, समेशन r = 1 to n, हम यहां पर मैं r/n करना है, तो n^1/3 यानी r/n^1/3 करेंगे इनटू, यहां पर मैं अभी आपके पास में एक वहां पर मैं 1/n से डिवाइड भी कर दिया, तो यहां पर मैं समेशन, यहां पर मैं कितना बचा, n^7/3 था, ये 1/3 + 1 यानी n^4/3 तो यहाँ एडजस्ट हो गया, और आपके पास में n^7/3 है, तो यानी आपके पास में n, यहाँ पर n बच रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है, n बच रहा है, क्योंकि ये n^1/3 और n सब मिला के n^ कितना देगा, 7/3। यहां पर मैं क्या करेंगे, ये n को बाहर निकालना है, तो 1 / n बाहर निकालेंगे, स्क्वायर है तो n² बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा a + r/n होल स्क्वायर, और यहां पर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। अब यहां पर मैं ध्यान से देखो, ये n और ये n कैंसिल होके क्या देगा, 1/n, और आपको पता होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम में हम लोग क्या करते हैं, r/n को x सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/, यहां पर मैं जो लिमिट बन जाएगा ये r = 1 to n, r/n को x और 1/n को क्या लेते हैं, dx, और ये जो समेशन होता है r = 1 to n ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन 0 to 1। तो आपके पास में ऊपर वाला इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 to 1 r/n और 1/3 यानी x^1/3 (dx) डिवाइड बाय, यहां पर मैं ये 1/n क्या हो जाएगा, dx और a + x² यानी 0 to 1 1 / a + x² dx, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 54। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करके x^1/3 + 4/3 और लिमिट बैठा देंगे 0 to 1, यानी आपके पास में 4/3 है, तो ऊपर में बच जाएगा 3 / 4 / यहां पर में आपको हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन -1 a + x और 0 to 1 = 54। इसको सॉल्व करेंगे यहां पर मैं,
यहाँ पर मैं ये 3 और ये 54 कितना हो जाएगा 18, और 4 से मल्टीप्लाई होकर इधर भी कितना देगा 72, और इसको हम लोग यहाँ पर मैं लिखेंगे 1 डिवाइड बाय -1 बाय a+1 + 1 बाय a = 72, ये ऊपर चला जाएगा तो आपको बन जाएगा a into a plus 1 डिवाइड बाय यहां पर -a + a + a + 1, यानी इधर में बच जाएगा 1 = 72। तो यहां से आपको मिल गया a² + a - 72 = 0, इसका फैक्टर बनेगा a+9 into a - 8 = 0। तो यहां से a का दो वैल्यू मिलेगा -9 और 8, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका दो आंसर हो जाएगा -9 और 8। और कौन कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां पर मैं, यहां पर मैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, यानी ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों आप ये पैटर्न को समझ के रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ये सॉल्यूशन या कंसेप्ट अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इस तरह के वीडियोज हम लोग फिर अपलोड करेंगे, और आप सभी को जेईई एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट।